भगवान शिव की जटाएं बोलते हैं, जिनके नाम से जिले का नाम पड़ा हुआ है जटाशंकर मंदिर। सामने जो ऑरेंज पर्वत देख रहे हैं, इस ऑरेंज पर्वत में शेषनाग का फन है, नीचे में शिवलिंग है, यहाँ का मेन मंदिर है जटाशंकर, जिसके नाम से आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो कुछ इच्छा भगवान से यही मांगना है, दर्शन करना है, दर्शन करके वापस नहीं आना, बाजू में गुफा है उसी गुफा से बाहर आएंगे। भोले बाबा चलिए एक मिनट, ये फोटो भी तो बना लें। महाराज जी हो गया बस, स्टाइल से अटका हुआ नीचे आ जा, वहां मत बैठ, हमें उम्र दी है। एकदम प्योर शुद्ध जल जिसको बोलते हैं ना, वो है। बोरिंग क्यों हुआ है ये? बोरिंग नहीं है, प्योर वाटर। जिस स्थान पे आप खड़े हैं ये कुंड है, इसे स्नान कुंड बोलते हैं। यहाँ पर जो यात्राएं लगती हैं, लोग इसे यहाँ पे लगाते हैं, फिर अपने यात्रा से चालू करते हैं। ये पूरा पर्वतों का पानी है, लेकिन बारिश होने के कारण से दिन के समय में नीचे हो रही है, बारिश का समय निकल जाएगा। बारिश के समय के बाद फिर इस रेत को निकाल कर यहाँ से खाली कराया जाएगा, फिर ये वापस अपनी जगह स्नान कुंड में अंदर तक जा सकते हैं। देखियो पत्थर अटके पड़े हैं यार। सर यहाँ पर आप लोग खड़े होइए, फोटो मैं निकालता हूँ। यहाँ पर जो पर्यटक आता है, जो कुछ दान करता है इस मंदिर के जो पुजारी हैं, उसी दान से वो अपना भी घर से आते हैं, उसी पैसे से इस मंदिर की नगरी है। सर ये मोबाइल टॉर्च
ये पत्थर कैसे अटका हुआ बीच में, अमेजिंग है। क्या क्राक एक ये देखो मच्छी के साथ पानी में, मच्छी के साथ प्रकाश चल महाराष्ट्र के भक्त ने यहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद इस त्रिशूल को चढ़ा कर गया है। इस त्रिशूल को देखने में आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब आप इसकी फोटो लेंगे ना इसमें देखिए भगवान शिव की पूरी फैमिली आपको मिलेगी देखने के लिए, जो नक्काशी बोलते हैं वो बहुत सुंदर है।